पुलों और सड़कों को लेकर क्या कहना है? अभी चूंकि बरसात के सीजन में सभी काम रुक जाता है, हमारा पीडब्ल्यूडी का और जितने भी रोडों का काम है सब रुका हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हम लोगों को आश्वस्त किया है, जनता को आश्वस्त किया है कि दीपावली से पहले सभी रोडों की हम लोग मरम्मत करा देंगे, जो रोड हमारे टूट गए हैं। मैं अपनी सरकार के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि अपने वीरगंज क्षेत्र में भी जितने भी हमारे रोड टूट गए हैं उनको हम दीपावली तक पूर्ण रूप से गड्ढा मुक्त करके और उनकी मरम्मत करा के दुरुस्त कर देंगे। पुल की बात करेंगे, नरखेड़ा और रेतीपुरा के बीच बात चल रही है, जनता की पुकार है, बहुत समय से प्रयास कर रही है, उसको लेके क्या कहना है? देखिए, ये तो जनता भी जानती है, आप भी जानते हो कि वीरगंज में जितने बड़े स्तर पे पुल बने हैं पिछले 5 साल में 9 पुल बने हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो आजादी से पहले 70 साल तक यहाँ केवल 4 पुल थे, जबकि 8 बड़ी नदियां आ गई हैं। तो हमारे कुछ पुल अभी रह गए हैं। हमारी नरखेड़ा, हमारी पहली प्राथमिकता में हमारी मांग नरखेड़ा और दिमना फतेहगंज की चल रही है। इनकी फाइलें, हमारी इस्टीमेटेड फाइलें 3 साल पहले गई हुई हैं, उन पे भी हम सरकार से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो पैसा मिल जाए। इसके अलावा हमारी नई पत्रावली में 3 भिजवा रहे हैं, एक हमारी रेतीपुरा की, रेतीपुरा पर पुल बन जाए, दूसरा हमारा औरंगाबाद पर और तीसरा हमारा धर्मपुरा पर। ये 2-3 जगह और जनता ने मांग की है कि ये भी पुल दिए जाएँ, उनके भी हमने पत्र लिखे हैं और जैसे जैसे एस्टीमेट पहुँचेंगे, माननीय हमारे जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, मंत्री जी से मैं बात करके, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, मुख्यमंत्री जी को मैं दे भी आया हूँ सभी पत्र और कोशिश करके कि इस बार हमें 1-2 पुल मिल जाएं, ऐसी मैं अपनी सरकार से उम्मीद भी करता हूँ और आप लोगों को विश्वास भी दिलाता हूँ।